वर्क स्टडी से शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनिट 3 में पूरी आपकी वर्क स्टडी की ही बात होगी कि इसके क्या टाइप्स हैं, क्या अलग अलग अप्रोचेज हैं, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं, सारी चीज़ों की बात होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के पूरे कोर्स के हिसाब से अरेंज मिलेगी। उसमें बिल्कुल आपको वीडियो बाय वीडियो आना है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अपना पूरा कोर्स ऑर्डर में खत्म करने के लिए। आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से पूरी प्लेलिस्ट आपको अरेंज मिलेगी और भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप देख सकते हैं अपना कोर्स वगैरह मैच करके। वर्क स्टडी की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इन्वेस्टिगेट्स द वर्क डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट एम्स एट फाइंडिंग द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स। रिसोर्स क्या हो सकता है? मैन, मटेरियल रिसोर्स, मशीनरी, कुछ भी रिसोर्स हो सकता है हमारा। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा रिसोर्स है, मैन है, मटेरियल है और मशीनरी है या और कोई रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, उसको हम सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारे पास जो भी एंड प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, जो भी एंड प्रोडक्ट, वो हम मिनिमम रॉ मटेरियल में कैसे निकालें, ठीक है, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे किसी चीज़ को अचीव कर पाए। अभी 5 लोग कर रहे हैं तो उसी काम को 3 लोग कैसे करें। कोई कुछ भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क स्टडी को बेसिकली 2 चीज़ों में बांटा गया, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। मेथड स्टडी बेसिकली कभी हम इस तरीके से भी बोल देते हैं इसको, मोशन स्टडी। मेथड स्टडी और मोशन स्टडी में क्या फ़र्क है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है, ठीक है ना। मेथड स्टडी को मोशन स्टडी भी बोल देते हैं और टाइम स्टडी या फिर वर्क मेजरमेंट, ये भी एक ही चीज़ें हैं। ये दोनों ही टर्म्स एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे ये ए रॉ मटेरियल को बी एंड प्रोडक्ट में बदलने का हमारे पास बेसिकली काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एक तो ये मेथड है कि 4 स्टेप में बदला जाएगा, एक कोई और मेथड हो सकता है मेथड नंबर 2, उसमें 3 स्टेप लग रहे हैं, मेथड नंबर 3 में 5 स्टेप लग रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो मेथड स्टडी बेसिकली क्या करती है कि कोई जो एग्जिस्टिंग मेथड है ना, ठीक है, उसको एक मोस्ट इम्प्रूव्ड वर्जन उसका निकाल लेती है। जैसे ये 4 स्टेप है तो इसमें से अनवांटेड स्टेप जो हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और बेसिकली ऐसा स्टेप हटा दिया जाएगा जो वर्कर्स को परेशानी पैदा करता हो, उसकी जगह किसी और तरीके का हम स्टेप लगाएंगे, कोई और तरीके का अल्टरनेटिव उसका लेके आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी स्टेप में लग रहा है उसको हटाने की हम कोशिश करेंगे, उसकी जगह दूसरा स्टेप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिकली पहले से हमारे पास प्रोसीजर होता है, उसको हम मोस्ट इम्प्रूव्ड वर्जन में बदलने की कोशिश करते हैं मेथड स्टडी का यूज़ करके। हम इसको मोस्ट इम्प्रूव्ड वर्जन में बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मेथड स्टडी के बाद बेसिकली आपकी टाइम स्टडी आती है। टाइम स्टडी में क्या होता है कि जो आपने मेथड चुन लिया ना, मेथड बना लिया, एक मोस्ट इम्प्रूव्ड मेथड बना लिया, ठीक है, अब उसकी टाइम की स्टडी कि उसको बेसिकली पूरे प्रोसेस को लगाने में, पूरे मेथड को अप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, उसकी स्टडी, उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनमें इंडिविजुअली कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसी को हमने बोला टाइम स्टडी या फिर वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट मतलब बेसिकली कितना काम हो रहा है या फिर करना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से हम नापेंगे कि कितना काम करना पड़ेगा उस मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो वर्क स्टडी में पहले मेथड स्टडी आती है, फिर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी को हम वर्क मेजरमेंट भी बोलते हैं, मेथड स्टडी को कभी कभी मोशन स्टडी बोल लेते हैं। इन दोनों में लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इट एम्स एट फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स लीस्ट टाइम एंड डज नॉट कॉज फटीग टू वर्कर्स, ठीक है। तो उसमें सबसे कम टाइम लगे उस प्रोसीजर को बेसिकली हम जब इंप्लीमेंट करेंगे उसमें सबसे कम टाइम लगे और वर्कर्स को भी कोई फटीग ना हो, ठीक है। तो ये 2 हमारे मोटे मोटे पैरामीटर्स हो गए मेथड स्टडी में कि इन 2 चीज़ों को हमें हटाना है। इट बेसिकली एम्स एंड फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ठीक है। तो ए से बी जाने में जो बेस्ट वे है उसको निकाल के लाएगी ये स्टडी कि क्या हमारे पास बेसिकली बेस्ट तरीका हो किसी काम को करने का। इम्प्रूव्ड प्रोसीजर इज जनरली अचीव्ड बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन और बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन। अब जैसे ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है तो इनमें या तो आप ऑर्डर चेंज कर दें, पहले आप ये वाला करें, जैसे ये सेकंड एरो है, ये फर्स्ट एरो है, सेकंड एरो को आप पहले करें, फर्स्ट एरो को आप बाद में करें, थर्ड एरो ऐसे ही रहे, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम बदल सकते हैं या फिर एक ऑपरेशन को आप हटा ही दें, उसका ऑल्टरनेटिव लेके आए। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको मेथड स्टडी की अलग से वीडियो है नीचे प्लेलिस्ट में, उसमें मिलेगी। अभी सिर्फ मैं वर्क स्टडी की आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मेथड स्टडी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, अब हम टाइम स्टडी पढ़ते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, वर्क स्टडी मेनली आपको जानना है, अंदर की जो चीज़ें हैं मेथड स्टडी टाइम स्टडी ये अलग से अलग वीडियोज में एक्सप्लेन है। टाइम स्टडी क्या है? इट हेल्प्स टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब बाय दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर मतलब मेथड स्टडी ने जो प्रोसीजर ढूंढा है, जो एक काम करने का बेस्ट तरीका ढूंढ लिया है, उसको करने में कितना टाइम लगेगा, वो हो गई टाइम की स्टडी, ठीक है। अब वर्क स्टडी के अंदर आपने 2 चीज़ें पढ़ी, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग क्या एडवांटेजेस हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वर्क स्टडी, पूरी वर्क स्टडी के क्या एडवांटेजेस हैं,
यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन फ्लो इम्प्रूव्ड हो जाएगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, रिड्यूस्ड मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट, कम कॉस्ट में निकल के आएगा प्रोडक्ट, तो प्रॉफिट हाई हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, हायर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी डेट्स, हमें पता होगा कौन सा लॉट कब तक तैयार हो जाएगा, बेसिकली एंड प्रोडक्ट कब तक तैयार हो जाएगा, तो डिलीवरी डेट हम एक्यूरेट कर पाएंगे, एकदम प्रोसीजर में हो जाएगा सारा काम, टाइम स्टडी से हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितने दिन लगते हैं किसी काम को होने में। बेटर सर्विस टू कस्टमर, तो कस्टमर सर्विस अपने आप ही सुधर जाएगी। और भी एडवांटेजेस आप लिख के आ सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, सिंपल इंग्लिश में बस आपको एडवांटेजेस लिखने हैं, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ये आपका वर्क स्टडी का वीडियो था, अगली वीडियो में हम मेथड स्टडी की डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।